हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गगनगिर के जैसा वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा हो इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह की रील वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है एंड लाइक्स और व्यूज तो उनके ऊपर एकदम भर भर के आ रहा है। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आपको सिर्फ एक क्लिक में आप अपना वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फटाफट से उसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, तो डाउनलोड करने के बाद का जो भी प्रोसेस है उसे मैं अपने टैबलेट के स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे टैबलेट की होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो आप मेरे टैबलेट की होम स्क्रीन पर आ चुके हो। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो आपने जो हमारे डिस्क्रिप्शन से जो आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था, आपको उसे VN एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली शेयर कर देना है। दोस्तों, तो मैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपने VN एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली शेयर कर दूंगा एंड इसे ओपन कर लूंगा। दोस्तों, तो आप जैसे ही इसे ओपन करते हो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा गगन गिल एडिटिंग के नाम से। तो आपको इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली ओपन कर लेना है। दोस्तों, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने खुल के आएगा। तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ओपन प्रोजेक्ट का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, तो क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आने वाला है, आप लोग देख सकते हो। तो आपके सामने काफ़ी सारे फोटोज़ एंड मेरे फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो आपको मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपके फ़ोटो किस तरह आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कितना फास्टली हमारे फोटोज़ यहाँ पर गिर रहे हैं। तो हमारा फोटोज़ एंड वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाला है। दोस्तों, तो आपको उसमें अपने फ़ोटोज़ कैसे ऐड करने हैं सबसे पहले ये देख लीजिए। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक एक फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे इस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रिप्लेस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, यहाँ से आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फोटो के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो आपको मेरे फोटोज़ को यहाँ से हटा देना है एंड अपने फोटो को यहाँ पर लगा देना। दोस्तों, आपको सभी फोटोज़ के ऊपर इसी तरह क्लिक करना है एंड दोस्तों रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना। दोस्तों, तो आप इसमें सभी फोटोज़ को अपने चेंज कर लेना। दोस्तों, तो यहाँ पर आपके फोटोज़ आ जाएंगे मेरी जगह पर। तो चलिए, आप लास्ट में भी अपने फोटो अप्लाई कर देना एंड लास्ट में आपका वीडियोस ऐसा बनने वाला है, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है। तो अगर इसमें और भी आप एडिटिंग करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे आप इसकी वॉल्यूम या फिर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर इसमें इफेक्ट्स डालना चाहते हो। वैसे तो इसमें बहुत ही एडवांस लेवल की एडिटिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप इसे अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई करोगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, तो आप जैसे अपने फोटोज इसमें लगा दोगे, दोस्तों आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है अपनी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद। तो जैसे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आएगा। तो आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये वीडियो आपका गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।